वीवो टी वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग इसके। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आखिरकार आज हम करेंगे फ़ोन की अनबॉक्सिंग, जो कल ले लिया था मैंने ये रहा। तो आज फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो देखो, सबसे पहले कुछ ऐसा देखने में, और स्क्रैच प्रूफ है, कितनी भी मतलब जैसे सिक्के पिक्के से भी खींच लो ना तो भी कुछ नहीं होगा। देखो एक भी निशान नहीं दिख रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी मगर कुछ भी निशान नहीं है, एकदम साफ है। और अनलॉक करके देखते हो, तो गाइस फर्स्ट लुक कुछ ऐसा है इसका अनलॉक होने के बाद। तो पहले तो देखो, इधर से ये यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट बटन पे, और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और ये दो दो के वो जो मैक्रो और डेप्थ, और एक फ्लैश लाइट, और यहाँ पे पीछे लिख रहा 5G जो कि है ये, और यहाँ से सिम विम डालने के लिए, और टाइप सी चार्जर, और गाने वाने सुनने के लिए जैक, और स्पीकर साइड में। मेन चीज़ का मुझे ये चीज़ जो लुक है ना पहला, भाई बहुत अच्छा लगा। देखो बहुत मस्त लुक लगता है इसका, ये मतलब पीछे से कुछ भी कर लो स्क्रैच नहीं आएंगे मगर एक भी बिल्कुल भी। तो और जो हाथ में पकड़ने में फील सा है ना, वो बहुत मस्त लगता है। और ये क्योंकि इसकी जो साइड है ये एकदम फ्लैट सी है ना, एकदम फ्लैट साइड है, तो इस वजह से चारों तरफ से ऐसा फ्लैट है, तो इस वजह से और थोड़ा लुक एकदम पकड़ने में मज़ेदारी आती है एकदम। तो गाइस ये फ़ोन एकदम मस्त है भाई साहब, इसकी फील बहुत मस्त है, और देखो फिंगरप्रिंट देखो कितनी तेज़ी से काम करता है। बहुत तेज़ काम कर रहा है फिंगरप्रिंट भी, मतलब जैसा भी बढ़िया फ़ोन है। और जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पापा के फ़ोन से बना रहा हूँ। और अभी हाँ एक और चीज़, अनिकेत भी कह रहा है कि मेरे को भी, अनिकेत भी फ़ोन लेके आएगा, शायद यही वाला लेके आएगा, तो चल रहे हैं उसके साथ, देखते हैं कौन सा फ़ोन लेके आता है वो। तो बताइए कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे आप? वीवो यही वाला, देखते हैं कैसे। अब यही ले लियो, नहीं बढ़िया फ़ोन, चलो। नहीं मिल रहा नहीं की तो फोन चले बुद्ध की, बुद्ध को आया तो वैसे अनिकेत को तो मिला नहीं फोन, और घर पे आ गए परसों ही, कह दिए उससे, तो परसों जाके देखेंगे।
तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओके बाय।